आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 21 नवंबर की ईश्वर वरदान की। नम्रता एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आपके अंदर टैलेंट है या आपके अंदर कोई क्वालिटी है या आपके पास में बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत क्रिएटिव बुद्धि है आपके पास में। जैसे आपको याद है ना, कल के वरदान में बात करी थी कि अगर हमारे अंदर थोड़ा भी अभिमान है कि मेरी बुद्धि अच्छी है या मेरे संस्कार अच्छे हैं या मेरे सोचने का तरीका अच्छा है, मेरे अंदर ये क्वालिटी, मेरा टैलेंट है, ये सारी चीज़ें, तो वो अभिमान भी हमें औरों से दूर कर देता है। पहले तो अपने आप से दूर कर देता है, अपने पवित्र सेल्फ से, फिर वो जो हम प्रेजेंट होते हैं औरों के सामने अपनी प्योरिटी से दूर हुए हुए, और उसके अंदर थोड़े से कन्फ्लिक्ट दिखता है, वाइब्रेशन गलत दिखती है, तो और लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए आज परमात्मा हमें नम्रता के बारे में सिखाना चाह रहे हैं और बहुत गहरी बातें सिखा रहे हैं, जिससे कि हम प्रेज वर्दी रहें, कि लोग हमें माने, रिस्पेक्ट करें और हमारे साथ में रहें, हमसे दूर ना भागें। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या हैं। निर्मानता की महानता, निर्मानता नम्रता ह्यूमिलिटी की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। आपको क्या मिलेंगे अगर आप निर्माण हैं, नम्र हैं? दुआएं औरों की। आज यही दुआएं कमाना बहुत मुश्किल हो गया इंसान को, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच बन चुकी है। हर किसी को लगता है कि मुझे लोग फॉलो करें, मेरी बात ही लोग माने, लेकिन जो नम्र व्यक्ति होता है उसी के पीछे हर कोई जाता है। तो परमात्मा कहते हैं महानता की निशानी निर्मानता है, ह्यूमिलिटी। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे, सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। इमेजिन करिए कि आप किसी के पास जाते हैं और आप अपने सोच उनके सामने रखते हैं और वो व्यक्ति आपको हर सेंटेंस के बाद में रोक देता है, हर सेंटेंस के बाद में करेक्ट करना शुरू करता है, हर सेंटेंस के बाद में कहता है ये नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है, आपने गलत किया। आपको हर सेंटेंस में जज करना शुरू करता है, आपके हर एक एक्शन को जज करता है। क्या आप उसको नम्र मानेंगे? क्या आप उसको महान मानेंगे? नहीं। क्या उसको आपसे दुआएं मिलेंगी? उल्टा ही मिलेंगी ना, बद दुआएं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं निर्मानता निरहंकारी सहज बनाती है, निरअहंकारी, जिसके अंदर अहंकार नहीं है। निर्मानता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्मानता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त करता है। तो अगर आपके अंदर नम्रता है, निर्मानता है, तो आपके अंदर महानता लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर प्रकार की आत्मा के साथ में एडजस्ट, हर ह्यूमन बीइंग के साथ में आप एडजस्ट हो पाते हैं। आप लोगों को अलग नहीं करते हैं कि नहीं मुझे यही ग्रुप के लोग पसंद है जो कि ऐसा सोचते हैं, मेरे को ये ग्रुप के लोग मैं पसंद नहीं करता हूँ या हेट करता हूँ, ऐसे वर्ड्स नहीं कुछ यूज करते हैं, क्योंकि आप बेहद के इन्फाइनाइट सोच वाले बन जाते हैं, आपकी बुद्धि विशाल हो जाती है, हर किसी के साथ में एडजस्ट, अकोमोडेट, हर किसी को आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, जिस कारण से लोग आपको पसंद करते हैं, आप जज नहीं करते लोगों को। और ये रास्ता आता है जब आप परमात्मा की नज़र से सारी दुनिया में आए हुए एक्टर्स को देखते हैं, कि हर एक एक्टर की एक्टिंग अलग है, कोई भी एक्टर एक जैसा नहीं है, नहीं तो इतनी रंगी चंगी दुनिया कैसे होती है? नहीं होती ना। अगर हर कोई एक जैसे ही सोचता है, एक जैसे ही एक्ट करता है, एक जैसे ही बोलता है, एक जैसे ही रिस्पॉन्ड करता है हर एक सिचुएशन में, तो आज जितनी भी चीज़ें आपको खूबसूरत दिखती हैं, वैरायटीज दिखती हैं दुनिया में, वो होती नहीं, हर चीज़ ब्लैक या वाइट होती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं निर्मानता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। आप किसी के साथ में बैठो बिना जज करे, उसको सुनो, उसकी बातें सुनो बिना जज करे हुए, और आपको क्या लगेगा? आप नहीं जज कर रहे हो और आप भारी नहीं हो रहे हो जज करके। पहले आप खुद भी शांत रह पाओगे, हल्के रह पाओगे, और दूसरा व्यक्ति आपके हल्केपन को महसूस करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं निर्मानता महिमा योग्य बना देती है। लोग आपको याद करेंगे, हाँ नहीं उसके पास जाओ, उससे सजेशन लो, बिकॉज वो आपको जज नहीं करता है, तो आपकी महिमा हो रही है ना। एज कम्पेयर टू समबडी जो कि नहीं नहीं भैया उसके पास मत जाना, उसके पास अगर कुछ अपना मुंह भी खोल दोगे ना तो आपका मुंह 2 मिनट में बंद करा देगा वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो जज करता है, आप चाहोगे नहीं कि आप खुलो उसके सामने। फिर परमात्मा कहते हैं निर्मानता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है आपके प्रति, वे बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं बिना जज करे हुए, गाइडेंस देते हैं न्यूट्रल होकर के, बिना जज करे हुए, और जिस कारण से वो महिमा योग्य बन जाते हैं, महान
दिखते हैं, सबके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। और परमात्मा ने कहा कि वो परमात्मा के समान हो जाते हैं, बिकॉज गॉड इज नॉन जजमेंटल, क्योंकि उनके अंदर नम्रता का सागर है। तो अगर आप भी इस नम्रता के सागर को अपने अंदर भरना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारीज का 70 कोर्स करिए, ताकि आप इसके फाउंडेशन, नम्रता का फाउंडेशन क्या है, वहां पर आप पहुंच पाए। ये कैसे होगा? आप brahmakumaris.org या brahmakumaris.com पे जाकर के अपने ही सिटी में जो भी आपका सबसे क्लोज सेंटर है वहां पर जाकर के आप निशुल्क फ्री कोर्स करें। 150 कंट्रीज में अवेलेबल है। इसके साथ ओम शांति।